बड़े ही आसानी के साथ आप अपने घर पे रिंग बना सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। और हमारे पास है 36 स्पोक और इसमें ये हमारा हब है, इसमें भी 18-18 होल है, 36 इसमें भी है और 36 हमारा होल रिंग में भी है, ठीक है। अब हम सबसे पहले हब को हब में स्पोक डालेंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम आपको दो तरीका बताएंगे स्पोक हब में डालने का। पहला तरीका है हम एक स्पोक ऊपर से डालेंगे, फिर एक स्पोक होल नहीं छोड़ मतलब जगह नहीं छोड़ना है, एक नीचे से फिर एक ऊपर से फिर एक नीचे से, फिर एक ऊपर से। और इससे भी आसान तरीका हम आपको बताएंगे, इसको हम निकालेंगे पहले। एक ऊपर एक नीचे से दोनों साइड दोनों तरफ ऐसे ही डालना है, लेकिन हम आपको एक दूसरा तरीका बताएंगे आपको क्या करना है। कर लेना है ऐसे, अब ऐसे पकड़ना है और एक ऊपर डालना है, सिर्फ ऊपर डालना है एक होल छोड़ के। वैसे सेम नीचे भी हम करेंगे, एक होल छोड़ के, एक मैंने नीचे भी डाल दिया, एक होल मैंने इसको छोड़ दिया, अब इसमें डाल लेंगे, सीधा ही डालना है, एक होल छोड़ के ऊपर नीचे दोनों, सबसे आसान तरीका ऐसे डाल लेंगे, एक होल छोड़ के नीचे दोनों। अब हम इसको क्या करेंगे, ऐसे उठा लेंगे इसको, इसको को बराबर करके ऐसे उल्टा करेंगे। अब क्या करना है, एक 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 होल जो बचा है हमारा, हम ऊपर से ही इसमें इसको डाल देंगे, ऊपर नीचे थोड़ा इसमें हमने डाल दिया, इसमें सब में एक एक इसको डाल देंगे, जो होल बचा है उसमें एक एक इसको डाल देंगे। ऊपर से है सारा स्ट्रोक हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको आधा कर लेंगे ऊपर के साइड में 18 स्ट्रोक जो है ऐसे ले लेंगे और ऐसे ले लेंगे इसको इस साइड से दूसरे में से ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे करके अलग अलग कर देंगे हमारा अलग अलग हो गया। अब हम इसको ऐसे करके अपना रिंग लाएंगे, रिंग लाने के बाद अब हम इसको मैंने इसको अलग अलग कर दिया, आधा इसमें से आधा इसमें से आधा आधा दोनों साइड कर दिया। अब इसको इस साइड का अच्छे से बांध लेते हैं जिससे प्रॉब्लम ना हो रिंग में तार बांधने में।
इसको बैक में ले जाना है। क्या करेंगे इसको आधा आधा कर, इसमें हम लेंगे 4 इंच, ठीक है। इसको ऐसे ले लेंगे, इसको गिन लेना है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 इसको हम ले लेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ऊपर के जो स्पोक हैं एक 3 स्पोक जो ऊपर के हैं इसको लास्ट को अलग से पकड़ लेंगे। जैसे देखें 2, फिर से देखें 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, ठीक है। 8 स्पोक हमने ले लिए, 8 स्पोक में लास्ट का एक हम पकड़ लेंगे और लास्ट का ये, ठीक है। और ऊपर के जो 3 स्पोक आ रहे हैं इसको हम इस साइड कर देंगे, लेफ्ट साइड में, और नीचे के 3 स्पोक इस साइड में, राइट साइड में कर देंगे, इसको छोड़ देंगे। जो लास्ट का इसको लेफ्ट साइड वाले को पहले हम ऊपर ऐसे रख देंगे, ठीक है। और इसको ऐसे ला के इस रिंग में एक होल छोड़ के, मतलब एक होल छोड़ कर हम डाल देंगे ऐसे, ठीक है। फिर हम ले लेंगे और इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा टाइट कर देंगे, एक होल छोड़ देना है, राइट। फिर ऐसे क्या करना है, जो लास्ट का हमने लिया था इसको इस तरफ कर दिया था, इधर देखो ये वाला, ये तो हमारा तीनों ही साइड मैंने कर दिया था, राइट। ये वाला, ये तीनों साइड कर दिया था, ठीक। इसको छोड़ दो, ये जो नीचे के साइड गया है उसके बाद इसको हम लेंगे, ठीक है। इसको लेने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इस स्पोक को ले कर गिनेंगे, ये जो इधर गया है 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8, ये एक स्पोक ले लेंगे, 8वें नंबर पर जो आ रहा है, इसको ले कर हम इसको नीचे के साइड करेंगे, इस स्पोक के नीचे की साइड, ये नीचे आ गया, हम इसको इस स्पोक को ऊपर ले लेंगे। फिर क्या करेंगे, एक होल छोड़ देंगे, फिर हम ऐसे लगाएंगे, फिर इसको हम थोड़ा सा टाइट कर देंगे और इसमें भी वैसे ही इसको टाइट कर देंगे थोड़ा सा। फिर इसके बाद वाला जो स्पोक ले हैं, इसके बाजू वाला ये स्पोक जो है इसको लेंगे हम नीचे का, फिर वैसे गिनेंगे हम 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 आ रहा, 8वें पे जो स्पोक आया इसको नीचे ले लेना है, नीचे लेके फिर ऐसे करके इसको ऊपर ले जाकर फिर एक होल छोड़ के हमें इसमें लगा देना है, ठीक है। जैसे एक होल ये हो गया, एक ये हो गया, इसको मैंने छोड़ दिया, इसमें लगा दिया, वैसे सेम ऐसे करेंगे, एक होल छोड़ के फिर ये वाला स्पोक इसमें लगा देंगे ऐसे, थोड़ा सा इसको टाइट कर देंगे, सेम प्रोसेस को करेंगे। नीचे वाला ये ले लेंगे, इस तरफ एक स्पोक में इसको ले लेंगे, जो अभी लिए थे स्पोक ये वाला, इसके बाद वाला इसको लेने के बाद फिर हम गिनेंगे 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 8वें पे जो आएगा उसको हम ऐसे ले लेंगे, इसको हम नीचे लेंगे, इसको ऊपर ले लेंगे, फिर हम एक होल छोड़ के इसको लगाएंगे, थोड़ा सा टाइट करेंगे, फिर इसको भी एक होल छोड़ के यहाँ पर लगाएंगे, थोड़ा सा टाइट कर लेंगे। फिर ये जो तार था जो हमने यहाँ से लिया था, ये यहाँ पर इसके बाद वाला जो स्पोक नीचे गया है इसको हम ले लेंगे, ये रहा है इसको, फिर यहाँ से हम ले लेंगे 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, फिर ये 8वां वाला हम फिर ले लेंगे, इसको नीचे जाने देंगे, फिर इसको ऊपर कर देंगे, फिर यहाँ पर देखें ये एक लगा है, इस होल को छोड़ के हम इस वाले होल में डालेंगे, एक होल हमें छोड़ के करना है, ठीक है। इसको यहाँ डालेंगे,
इसको थोड़ा टाइट करेंगे, ये वाल का है राइट। फिर इसके बाद हम एक इस ये एक होल छोड़ के फिर इसमें डालेंगे, फिर वैसे प्रोसेस ठीक है। ये जो अभी स्पोक डाले इसका, इससे जो नीचे के साइड जो स्पोक है इसको ले लेंगे, फिर इसको आठवें नंबर पे 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 इसको नीचे करके इसको कवर कर देंगे, ऐसे कर लेंगे, थोड़ा टाइट कर लेंगे, एक बोल जोड़ के फिर लगा देंगे, सेम ऐसे करके ही लगा लेंगे। थोड़ा थोड़ा टाइट कर लेंगे। अब हमारा एक साइड का हो गया ठीक है, अब हम इस इसको रस्सी निकाल लेंगे ठीक है। सबसे जरूरी मेन चीज ध्यान देना, इसको एकदम लूज कर देना ठीक है। अब हम 8 स्पोक ले लेंगे, पहले से 2, 2, 4, 2, 6 और ये रहा 6, 2, 8 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 ठीक है। सेम ऐसे करना है, ये लास्ट का ले लेना लास्ट का, बाकी जो ऊपर का 3 बच रहा है, ऊपर का 3 पर कहते हैं लेफ्ट में जाने को और नीचे करते हैं टाइट ठीक है। अब हम इसको टाइट वाले को नीचे ले जाएंगे और लेफ्ट वाले को ऊपर लाएंगे ठीक है ऐसे, और हम सेंटर में लाएंगे पहले इसको पूरी तरह से नीचे दाबते हैं, जिससे ये देखना है कि सेंटर कहाँ पे आ गया, ये देखिए ऐसे कर लेंगे इसको अच्छे तरह से चेक कर लेंगे कि सेंटर किस पे आ रहा है। हमारा सेंटर इस पे आ रहा है, स्पोक का सेंटर दोनों का जो वी टाइप बन रहा है वो बराबर बनना चाहिए। अगर हम इधर लगा देंगे एक स्पोक का भी टाइप नहीं बन रहा, इस साइड में स्पोक ज़्यादा जा रहा है, तो इसको हम सेंटर पे लेंगे जिस पे वी टाइप बने बराबर वी टाइप, ये हमारा सेंटर इस पे आ रहा है तो हम ऐसे लगा देंगे। थोड़ा सा टाइप कर लेंगे, टाइट कर लेंगे, तो सेम वही प्रोसेस करना है जो भी स्पोक ये वाला लगाए हैं। इसके बाद वाला जो एक स्पोक ये नीचे की साइड है उसको ले लेना है, फिर ये 2, 2, 4 ये स्पोक हमारा इसको ले लेंगे 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 आठवें पे ये आ रहा है। अब ये लेफ्ट वाला स्पोक हम नीचे ले लेंगे नीचे, और इसको हम नहीं लेफ्ट वाला ऊपर ले लेंगे और राइट वाला नीचे ऐसे कर लेंगे। फिर ये एक होल में तो पहले लगा हुआ, जो होल अब दूसरे राउंड में जो बचा है उसमें हम डाल देंगे ऐसे, और ये वाला ऐसे लगा देंगे, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग टाइट कर देंगे। थोड़ा सा इसको लगा के इसको कम लगा के इसमें डालें लेफ्ट साइड वाला, इसके बाद वाला जो नीचे वायर जाता है उसको ले लेंगे, फिर आठवें नंबर का वायर तार लेकर ऐसे ऊपर नीचे करके ऐसे लगा देंगे, अनाट लगा के टाइट कर देंगे,
से हम ऐसे कर लेंगे, जैसे नीचे के साइड किए थे वैसे सेम प्रोसेस है ऊपर से भी वैसे हम कर लेंगे सब। थोड़ा थोड़ा हमने टाइट कर लिया, देखिए जैसे इसमें इतना आटा बाकी है, ये इसमें भी इतना बाकी है, इसमें भी थोड़ा थोड़ा आटा बाकी है, ये इतना हमने टाइट कर लिया। अब हमें अभी भी लग रहा है कि हमारा स्पोक बहुत लूज है, हम क्या करेंगे जितना आटा इधर इस तरफ दिख रहा है ये पूरा हम टाइट कर लेंगे, पूरे रिंग में थोड़ा सा भी आटा नहीं दिखेगा, इसको हम ऐसे टाइट कर लेंगे, ठीक है। इधर भी थोड़ा आटा दिख रहा है, इसको हम टाइट कर लेंगे, एक एक स्पोक सब टाइट कर लेंगे बराबर से, ठीक है। अब हमने थोड़ा थोड़ा टाइट कर दिया, ठीक है। ये देखिए थोड़ा थोड़ा आटा दिख रहा है उसमें, ध्यान से देखेंगे, ये देखिए देखो ये थोड़ा सा आटा दिख रहा है, बहुत थोड़ा सा, ये देखिए इसमें भी दिख रहा है। सब बराबर से टाइट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला प्रोसेस रहेगा अलाइनमेंट मशीन, व्हील थ्रू मशीन, उससे हम बताएंगे अब आपको करके अलाइनमेंट कैसे हो जाता है। ये आ गया हमारा व्हील थ्रू मशीन, ठीक है, ये हमारा व्हील थ्रू मशीन आ गया। हम इसमें अब इसको फिट करेंगे, ऐसे इसमें फिट करेंगे, चलिए फिट करते हैं, चलिए। ये देखो लूज है, अब इसको हम क्या करेंगे, ये देखो फिर हमारा अलाइनमेंट मशीन हम इसमें लगा दिए, हमारा स्पोक लूज है, तो हम यहाँ वाल का जो होल है वहाँ पे हम ये अपने टूल के माध्यम से इसको हम पकड़ेंगे, एक स्टेप दो स्टेप और तीन स्टेप ऐसे घुमा बराबर टाइट करना है, ऐसे करते चले जाएंगे तीन स्टेप, ठीक है। अपने टाइट के हिसाब से जितना टाइट, अगर आपको ज़्यादा टाइट लगता है तो फिर थोड़ा टाइट कीजिएगा, हमारा इसको कभी दूसरे थ्री स्टेप ले जाएंगे, ऐसे कर लेंगे चारों तरफ पूरे रिंग में, ऐसे कर लेंगे। अब हमारा स्पोक अच्छी तरह टाइट हो गया है, ये देखिए काफ़ी टाइट हो गया है हमारा स्पोक। अब इसमें देखिए प्ले कितना है, यहाँ पे देखिए दिखाता
हमारे व्हील में कितना प्ले है, देख रहे हैं ये आ रही है और ये जा रही है व्हील, ये देखें ये देखें कितना प्ले है। अब हम इसको सही करेंगे, ये देखिए हमारे व्हील में इतना प्ले है, ये इतना इस तरफ टच हो रहा है, तो क्या करेंगे हम, ये यहाँ से यहाँ तक टच हो रहा है, तो हम क्या करेंगे इस वाले तार को, इस साइड ये जो तार है इसको हम थोड़ा थोड़ा लूज करेंगे, ठीक है, इसको हम लूज करेंगे, लूज करने के बाद ठीक है, अब हम इस साइड के तार को थोड़ा टाइट करेंगे जिससे ये रिंग इधर टच हो रहा है, इस साइड आ जाएगा, ऐसे टाइट कर देंगे, थोड़ा टाइट कर देंगे, इसको टाइट कर देंगे, ठीक है, अब ये हमारा जो इधर इतना ज़्यादा गैप हो रहा है तो हम क्या करेंगे, इस साइड का जो स्पोक इधर साइड से लगा है इसको थोड़ा थोड़ा टाइट कर देंगे, टाइट करने के बाद एक बार हम चला के चेक करेंगे, यहाँ पे हमारा व्हील टच हो रहा है, हम इस साइड का टाइट करेंगे, इस साइड का इसको ये वाला जो आ रहा है इस साइड का इस हाफ इस साइड से, तो इसको हम पहले थोड़ा टाइट करेंगे, थोड़ा टाइट हो गया हमारा, अब देखिए बहुत थोड़ा सा प्ले बता रहा है, देखिए थोड़ा सा लूज करके इसको थोड़ा टाइट करेंगे, इस तरफ थोड़ा ज़्यादा जगह बच रहा है तो हम इसको टाइट करेंगे, यहाँ पे टच हो रहा है, ये देखो तो हम इस साइड टच हो रहा था, हम इस साइड पे इसको टाइट करेंगे, हमने कर दिया टाइट, अब इस साइड टच हो रहा है तो हम इसको थोड़ा सा टाइट करेंगे, ठीक है, अब हमारा टच नहीं हो रहा है, थोड़ा सा प्ले है इसको भी हम सही करेंगे, टच हो रहा है इसको थोड़ा थोड़ा टाइट कर लेंगे इस स्पोक को, ठीक है, हमारा रिमूव कंप्लीट हो गया, थोड़ा सा प्ले अप डाउन वाला जो है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बारीक सा है और हमारा भी
पूरा कंप्लीट हो गया। इसी तरह से आप बड़े ही आसानी के साथ अपने घर पर रिंग बना सकते हैं। ठीक है, हमारा रिंग फाइनली तैयार हो गया।